Alola everyone, and finally welcome back to the Pokemon Ultra Moon version. So we are officially back in again in the Alola region, but this time it's gonna be another कह सकते हो कि एक और बेहतर से बेहतर जो है वो एडवेंचरस हमारी जर्नी रहने वाली है. एंड यस, दिस गेम ऑल्सो इंक्लूड्स इन आर फंटिविटी. यस, हमारी जो फंटिविटी है इसमें फर्स्ट गेम जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है. यानी कि जो मेरा अगला जो है एक्टिविटी, फन एक्टिविटी, उसके जो आगाज़ है वो आज हम लोग करने जाने वाले हैं. उसके जो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या यहाँ पर कह सकते हो कि कंडीशंस हैं, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. साथ ही साथ हमारी आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. सो या आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर जर्नी विदाउट एनी फर्दर कह सकते हो कि डिले. ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे जो है वो मैसेज आ चुका है प्रोफेसर कुकुई का. ओह हैंग ऑन नाउ, गिव मी जस्ट अ सेक. Hey there, good evening. Okay, so the day has finally come that you are moving to Alola. Alola is a region made of several islands. इस वजह से ये जो है वो यहाँ पे रेयर पोकेमोन से चोक हो चुका है. All right. Oh, कौन सा पोकेमोन निकल रहे हैं ये? Such mysterious creatures. Rockruff. तुम जो है इन्हें हर जगह ढूंढ सकते हो. इन द ग्रास, इन द केव्स, इन द स्काई एंड इन द सी, इन द सी. अलोला में हमें पोकेमोन बहुत पसंद है एंड हम उन पर ही डिपेंड करते हैं. सम ऑफ अस जो है यहाँ पे इनसे बैटल करते हैं और वो उन्हें पोकेमोन ट्रेनर्स कहलाते हैं. रॉकरफ, क्यूटी फ्लाई, मैं तुमसे बाद में खेलता हूँ. सो कूल योर जेट्स. ऑल राइट, ओके. तो मैं जो है तुम्हें यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. क्या ये तुम्हारा फ़ोटो कौन सा यूज़ करूँ मैं ट्रेनर पासपोर्ट पे? लेट्स मी सीम, अगर मेरा तो फर्स्ट नहीं यार, सेकंड मुझे जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. थर्ड वन भी अच्छा ही है, फोर्थ सब अच्छे ही है. सेकंड वन के साथ मैं जा रहा हूँ. ऑल राइट, मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? यस, वाई नॉट, सब लोगों को पता ही है. DHRU थ्रू, हम नाम चेंज नहीं करते, एक ही नाम रखते हैं. ओके, सो यू गो बाय थ्रू? यप. ओके, 10-4, गुड बडी, मैं सबको बताऊंगा कि तुम यहाँ से आ रहे हो. ऑल राइट, थ्रू. या दैट्स अ नेम, मुझे हिट होगा और ऑन द ड्रॉप किक. कांट वेट टू सी यू इन अ पर्सन देन, कजन. ऑल राइट गाइज, यार यहाँ पर जो है वो हमारा वीडियो मैसेज खत्म हो चुका है. बट एक थिंग मुझे करनी है यहाँ से कि ध्रुव, मेरी बॉक्सेस में मेरी मदद करो. ग्राफिक्स का, यस, माफ करना गाइज़, थोड़ा सा जो है वो संभाल लीजिएगा. अभी जस्ट मैं जो हूँ यहाँ पर बंद नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज जो है वो फिर से ये सब प्रोसेस करनी पड़ेंगी. एक बार मैं सेव कर लूँ ना गेम को, मुझे ऑप्शन आ जाए तो आई विल डू इट. आई गेस ये सीन जो है हम लोगों ने पोकेमॉन्स में भी देखा था, यही सेम सीन था. बस शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफरेंट हो सकता है इस बार. लेट्स सी यार कि क्या होता है. आई नो दिस इज द लीडी एंड मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं यार, ये थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे. ये जो कपड़े पहने हैं उन्होंने, कोई नई टीम आई है क्या अलोला रीजन में? कमेंट डाउन बिलो गाइस यार. ओके ऑल राइट, तो अगर मैंने जो है वो शुरू में अगर कोई गलत नेम ले लिया हो तो माफ़ कीजिएगा, बट वी आर प्लेइंग पोकेमोन अल्ट्रा मून. आई गेस मैं पोकेमोन बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मुझे अभी रिमाइंड भी नहीं कर सकता. अगर मैंने गलती से कुछ बोल दिया तो प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिएगा. सो वी आर गोना प्ले द ब्रांड न्यू, मतलब ब्रांड न्यू तो नहीं, हमारी ब्रांड न्यू सीरीज पोकेमोन अल्ट्रा मून. तो 3 महीने बाद की टाइमलाइन जो है यहाँ पे आ चुकी है. ऑल राइट, सो ये शायद एक अलग आइलैंड है हमारा, एंड ये काफ़ी प्यारा लग रहा है यार ये आइलैंड. मैंने मैंने आइलैंड है शायद ये. ओके ऑल राइट, ओके. सो यहाँ पे रात का टाइम है. एंड हाँ गाइस यार, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ
हाँ अच्छा लग रहा है। द फर्स्ट ही नेम इज अलोला के काम मूड में। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ हर रात पूरी रात, बट इतना काफी है। टाइम टू अनपैक ऑल दिस बॉक्सेस। मी आउट, जाओ आउट बुक मेरे लिए लेकर आओ। हाँ तो ये मैं ये कह रहा था गाइस यार कि पोकेमोन सन में जो है हम लोगों ने ज़्यादातर के जो है वो एपिसोड दिन में शूट किए थे, बट पोकेमोन अल्ट्रा मून इज़ वन ऑफ द आर नाइट एडवेंचर। यस मून है यानी कि रात का टाइम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एपिसोड्स होंगे आप लोगों को वो कह सकते हो कि ये सीरीज जो है वो 1 मंथ या 2 मंथ चल सकती है। उनमें से 1.5 मंथ जो है वो मोस्टली यहाँ पे रात के टाइम जो है वो यहाँ पर शूट होगा। कभी कभार अगर मुझे सुबह जो है वो यहाँ पे मौका मिलेगा देन आई विल शूट ऑन कह सकते हो कि मैं सुबह जो हूँ एपिसोड को शूट कर दूंगा। ओ यार ये गए हमारा घर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वी कांट स्टे हियर एज यू नो इट, वी आर द पोकेमोन ट्रेनर्स एंड हम जो है यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो एक सेकेंड गाइस यार, अगर मुझे यहाँ पे सेव करने का मौका मिल जाए ना तो मैं फटाक से जो हूँ सेव करके जो हूँ वो अपना थोड़ा सा जो है वो ग्राफिक्स का सेटिंग भी शायद करनी पड़ेगी, 60 FPS में लगाऊँ या नहीं लगाऊँ वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। मैंने जब ऑफलाइन में चेक किया था 60 FPS तो 60 FPS मिल रहा था एंड स्पीड जो है वो मक्खन की तरह चल रही थी, बट इतनी ज़्यादा जो है मक्खन की स्पीड हम लोगों को चाहिए नहीं, 30-35 FPS जो है वो यहाँ पे वर्क करता है ऑलमोस्ट। तो आई गेस कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पे मुझे अच्छे ग्राफिक्स अभी नज़र आएंगे। मैंने थोड़ा सा जो है वो इन पर काम किया हुआ है, मतलब कि कह सकते हो कि मेरी जो ट्रिक थी वो मैंने यूज़ करी है एंड ओके। तुम जो है यहाँ पे लाइट की तरह आ गए हो, तो मेरे पास अच्छा लगता है कि तुम्हें अभी और भी ज़्यादा एनर्जी होगी। एंड यस लुक, ये ऑलरेडी रात हो चुकी है। ये कम्प्लीटली अपोजिट है कैंटो से, बट हम लोग जो है वो काफ़ी दूर है इस अलोला रीजन में। सो ध्रुव, क्या तुम एक्साइटेड हो नए पोकेमोन से मिलने के लिए? यप ऑफ कोर्स। दैट्स राइट, मैं जो हूँ यहाँ पर जा रही हूँ और मैं आती हूँ। हम लोग यहाँ इस अलोरा रीजन में है। ये ब्यूटीफुल आइलैंड है सब लोगों को विजिट करने के लिए। आई एम श्योर पोकेमोन जो है यहाँ पे शायद यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंडली भी रहेंगे। ये जो है यहाँ पे पूरा आइडिया नहीं रहेगा कि तुम जो हो यहाँ पे बाहर की तरफ चले जाओ और नए पोकेमोन से मुलाकात करो। यार राइट थ्रू, तुम जो है अपनी एक्सप्लोरिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारे बैग एंड हैट मैंने यहाँ पे वो अपने जो है वो रूम में कोट स्टैंड पे टांग दिया है। एंड तुमने जो है यहाँ पे कॉपी ऑफ एडवेंचर जो है वो भी पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एडवेंचर के जो रूल्स है वो भी हम लोग थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं हमारे डेस्क पर क्या है। यू चेक द फादर यू गेव, ऑल राइट, ये तो हम लोग को पता ही है। एंड हाँ गाइस यार ये रही हमारी हैट एंड बैग। शायद जो है आगे चलकर मैं थोड़े से अपने क्लोथ जो हूँ अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले तो हम लोग जो है वो जिस जिस सिटी में जाएंगे उस सिटी में जो है वो यहाँ पे कह सकते हो कि एक्सप्लोर करेंगे। एंड हाँ गाइस यार ये गेम जो है वो पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है, पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कह सकते हो कि लेफ्ट आउट करी थी, बट दिस इज वन ऑफ बी द 100% गेम प्ले गाइज, 100% गेम प्ले आने वाला है यहाँ पे इस सीरीज़ में। हर एक छोटी से और बारीकी से बारीक जो चीज़ है वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ओके क्या हुआ मॉम? तुम जो है यहाँ पे अपने टॉल ग्रास में ध्यान से जाना। तुम्हारे पास पोकेमोन नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि भी मुझे काफ़ी खुशी होगी कि तुम यहाँ पे नए पोकेमोन देखोगे। तो तुम्हें शायद एक ही टाउन चले जाना चाहिए इस अलोला को डिस्कवर करने के लिए। ऑल राइट, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है वो इकी टाउन है, तो यहाँ पर हम लोग जल्द से जल्दी जो है यहाँ पर चले जाते हैं इकी टाउन। ओके ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी हम लोगों को काम हो चुका है, तो यहाँ से जो है वो रात का टाइम जो है वो मुझे लगता है कि सुबह के टाइम से जो है वो काफ़ी जो है मतलब कि जो स्क्रीन जो वो लाइट आती है ना वो थोड़ी सी जो प्लेजेंट हो चुकी है, मतलब यार थोड़ा सा डार्क जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी लाइफ चल रही है तो डार्क जो चीज़ें है ना वो थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो दैट्स वाई ना ये थीम मुझे जो है वो जो दिन के जो यहाँ पर कह सकते हो ना दिन की जो लाइटिंग होती है यहाँ पर जो इफेक्ट्स होते हैं मुझे इससे ज़्यादा जो यहाँ पर रात की लाइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस गेम की। तो एज आई टोल्ड यू ये जो गेम है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स जो है वो आप लोगों को और नाइट टाइम में शूट होंगे। एंड हाँ गाइज यार यहाँ पर ओके सो कुछ तो आ रहा है टॉल ग्रास से, वेट ओ ये तो सैलेंटेड है ना शायद, नहीं सैलेंटेड नहीं इसका यंगुस कुछ नाम है, बट यार हमारे पास तो पोकेमोन नहीं है। ओ रॉगलेट लिटन एंड पोपलियो, ऑल राइट आप लोग भी यहाँ पर थोड़े से कह सकते हो कि सोच में रहेंगे कि इस बार में जो हूँ यहाँ पर कौन से पोकेमोन चूज करने वाला हूँ। पोकेमोन सन में जो है हम लोगों ने लिटन को चूज किया था, पायरो हमने जिसका निकनेम दिया था, बट दिस टाइम जो है वो मैं थोड़ा सा रुक जाओ गाइस पता चलेगा।
मैं यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन चूज करने वाला हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच यार गाइस, यहाँ पे मेरी जान बचाई। ओह हाय प्रोफेसर कुकाई, हैंग ऑन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो ध्रुव हो ना, राइट? या ओ तुम ठीक हो, मैंने देखा कि तुम्हें अटैक हुआ था तुम पर, या मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मदद मिली ज़रूर। लुक्स लाइक तुम्हें ठीक हो दो, आई श्योर, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, आई डोंट थिंक कि ये लिटिल फेलो जो है यहाँ पे डैश आउट करेंगे और इस स्ट्रेंजर को बचाएंगे। ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो तुमसे, वो जो है मेरे से आगे निकल चुके हैं। तुम्हारा स्वागत है सलोला में, द पोकेमोन पैराडाइज, दैट्स व्हाट मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ओके मेरा नाम है कुकुई, मैं पोकेमोन प्रोफेसर हूँ। वो लोग और पोकेमोन जो है यहाँ पे साथ में काम करते हैं एंड रहते हैं इस अलोला में। डोंट यू एवर फॉरगेट, तुम कहीं पर भी जा सकते हो तुम्हारे अगर पास पोकेमोन हो तो। वाइल्ड पोकेमोन जो है वो टॉल ग्रास से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, जस्ट वेट करना कि वो तुम्हें काटे ना, एंड तुम ठीक रहोगे लेकिन अगर तुम्हारे पास पार्टनर रहा तो। हे दया, मैं तुमसे इन तीनों पोकेमोन से जो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ऑल राइट, द टाइम हैज कम, यह है ग्रास टाइप पोकेमोन रोलेट। ओके हाय रोलेट, यह है फायर टाइप पोकेमोन लिटन, आई नो दिस पोकेमोन, हम लोगों ने इसके साथ काफ़ी ट्रेनिंग करी है पिछली सीरीज में। एंड यह है वाटर टाइप पोकेमोन पोपलियो, हाय पोपलियो। तो यप, आप लोगों ने सही गेस किया होगा, आई गेस प्रोबेबली हम लोगों ने जो है वो जिस पोकेमोन के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोर्स रखा है वो है पोपलियो। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर हम लोग जो है वो पोपलियो के साथ जाने वाले हैं, एंड ये बेसिकली एक वाटर एंड आगे चलकर जो है वो एक वाटर प्लस फेरी टाइप पोकेमोन रहने वाला है। मैंने जो है वो यहाँ पे कह सकते हो कि रोबलेट के साथ थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग करी है लिटन के साथ अभी जस्ट बिफोर, मैं यहाँ पर कह सकते हो कि पोकेमोन सन के हम लोगों ने जब स्टार्ट करा था तब जो है यहाँ पर हम लोगों ने उसके साथ ट्रेनिंग करी थी। तो दैट्स वाई मैं जो हूँ यहाँ पर चूज करना चाहता हूँ द वाटर टाइप पोकेमोन पोपलियो। यस, एक डॉग टाइप पोकेमोन है ये एंड वाटर टाइप है, तो काफ़ी कह सकते हो कि टाइम बाद हम लोगों ने जो है वो वाटर टाइप पोकेमोन को चुना है, आई गेस काफ़ी अरसों बाद भी आप लोग बोल सकते हो। ऑल राइट ओके, तो ये भी हमसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। ओके सो हम लोगों ने चूज़ किया है पोपलियो को। कह सकते हो कि जैसे मैंने यूनोवा रीजन में जो है शायद लास्ट अपना कह सकते हो कि वाटर टाइप पोकेमोन चूज़ किया था, तो इसका निकनेम जो है वो मैं देने वाला हूँ पॉप। यस पोपलियो का पॉप, आगे चलकर जो है वो प्री मरीन हो जाएगा। एंड ये जो है वो यहाँ पर मेल है तो एक अच्छी बात है, फीमेल भी रहती कोई कोई बुरी बात नहीं रहती। ऑल राइट तुम जो है यहाँ पर पोपलियो से गए हो, ऐसा लगता है कि तुम जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम चुनोगे। नाउ दैट तुम्हारे तुम जो है यहाँ पर पोकेमोन बैटल्स कर सकते हो, दिस इज वॉट अब वी कॉल अ पोकेमोन ट्रेनर। ये लो ये पोकेमोन है पोपलियो का, ये जो है वो काफ़ी अच्छा फील करेगा एंड उसे कोजी भी लगेगी। ऑलराइट देन हम जो है यहाँ पर एक ही टाउन जा रहे हैं ध्रुव, टाइम टू मीट द आइलैंड का होना। सो आइसलैंड का होना, यस सच ये बात है कि पोकेमोन पार्टनर जो है यहाँ पर ये मेरे नहीं है, ये तो गिफ्ट है यहाँ पे का होना से। सो उनके जो है यहाँ पर हम लोग प्रॉपर थैंक यू सो मच कहने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। इनकेस तुमने कहा नहीं, तुमने सुना नहीं होगा, काउनो जो है वो क्रेजी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स होते हैं, सो बी केयरफुल उनसे बैटल करने से पहले। ओके तो हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा सावध भी रहना होगा क्योंकि सो एक टाउन जो है यहाँ पे पास्ट में है। ऑल राइट सो पोपलियो को जो है यहाँ पर वहां पर चल के जाओ जो पोकेमोन में तुमने दिया है। ऑल राइट गाइजर, यहाँ से जो है वो हम लोग चले जाते हैं ऊपर की तरफ। ओके तो क्या आ रहा है, क्या कौन सा पोकेमोन आ रहा है, बट यार मैं तो कोई पोकेमोन पकड़ ही नहीं सकता, तो ये कौन सा पोकेमोन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और रैटाटा, यस हमारे पास पोकेमोन तो है अभी। एंड हाँ गाइस यार, अभी मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये जो गेम है वो हमारी फनटिविटी में जो है इंक्लूडेड हो जाता है, काफ़ी कम यूज़ मिले थे उस वीडियो को,
बट आई होप सो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि फंटिविटी कहीं जो है वो यहाँ पे आने वाली है हमारी, एंड उस वजह से जो है गाइस यार आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। टोटल 6 दिन वीडियो आएगी, मतलब कि ये वीडियो का भी जो है वो मेरा कह सकते हो कि मैं ट्राई बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। एक दिन का मैं जो हूँ यहाँ पर ये ट्यूजडे का वीडियो लाना चाहता था, ट्यूजडे टू संडे, बट जो है मैंने सोचा कि क्यों ना यार थोड़ा सा आधा घंटा जो है यहाँ पर दे देते हैं एंड कर देता हूँ मैं, एंड क्योंकि गाइस यार यहाँ पर ओके वेट तुम कौन सा पोकेमोन चूज करने वाले हो? क्या तुमने कुछ डिसाइड किया है? ओह वेल आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड बड़ी। या मैं हूँ, हाँ हूँ, मैं रुक नहीं सकता कि मैं अपना पहला पार्टनर चूज करूँ, सो मैं यहाँ तक आ गया। ओह ये तो यहाँ पर पोपली वो यहाँ पर उसे हाई कह रहा है। हाँ व्हाट, तुम्हारा पोपली तो काफी कूल है। हे वेट, तुमने ऑलरेडी पिकअप कर लिया अपना पोकेमोन? माफ करना उसके लिए। हाँ जो ध्रुव से जो यहाँ पर जब आ रहा था उसे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसने अपना पार्टनर चूज कर लिया विदाउट यू। चलो फेयर इनफ आई गेस। शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी थी कि तुम दोनों गाइस मिलो। बट तुम जो है यहाँ पर इन दोनों में से कुछ हाउस चुन सकते हो। ओके लिटन एंड ओके तो मेरा पार्टनर होगा लिटन। आई चूज यू। हाँ गाइस राहुल ने जो है लास्ट टाइम रॉलेट को चुना था जब हम लोगों ने लिटन को चुना था, सो मैंने जो है हमें डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ एडवेंचर करने में मज़ा आएगा। हम जो है वो काफ़ी ऑसम स्टफ करेंगे। जस्ट यू वेट एंड सी। ऑल राइट प्रोफेसर, आप ट्रोमलेट का ध्यान रखोगे ना अच्छी तरीके से? यू बेटर बिलीव आई विल। हाउ फिर कोई बात नहीं यहाँ पे। ऑल राइट देन रॉबलेट, सब लोग अपने अपने पोकी बॉल पर जाने का वक्त हो चुका है। बेटा मैं और लेटन तुमसे कुछ फेवर मांगना चाहते हैं। हमारे फर्स्ट एवर अमोनट बनो और हमसे बैटल करो। ओह होल्ड ऑन, तुम लोग एक बड़ी यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहे हो, सो मैं चाहता हूँ कि पोकलियो सही सलामत रहे। ऑल राइट गाइजर यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो बैटल कर लिए करने के लिए तैयार हैं। सो हाँ गाइज यार मैं ये कह रहा था गाइज यार ये जो मतलब कि वीडियो है वो भी यहाँ पर कह सकते हो कि अभी 6 बज रहे हैं यहाँ पे सैटरडे के संडे के माफ़ कीजिएगा, एंड तब मुझे जो है वो यहाँ पर समय मिला है इस वीडियो को शूट करने का। सो आई वाइज आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि बिल्कुल भी जो है यहाँ पर समय नहीं था ये वीडियो को लाने के लिए, बट मैंने जो है यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियोज आती रहे। कल भी यहाँ पर पोकेमॉन और सोलर लाइट एंड लूनाडार की वीडियो आएगी या नहीं वो मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि उसका कुछ भी पर हुआ नहीं है। और थंबनेल यहाँ पर हो चुके, लेआउट वगैरह हो चुकी है सब, मैंने लेआउट इसका भी अच्छे से कर दिया। आप लोगों को ये लेआउट कैसे लगा होगा ना वो मुझे थोड़ा सा कमेंट में जाके जरूर बताना। हाँ थोड़ी सी मेहनत गई बट थोड़ी सी अलग टाइप की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लेआउट जो है वो यहाँ पर ट्राई करी है। होपफुली आप लोगों को जो है वो ये लेआउट गाइस यार पसंद आई हो, सो मेक श्योर आप लोग जो है यहाँ पर इस कह सकते हो कि लेआउट के लिए भी जो है वो यहाँ पर अपना अपना सजेशन दे सकते हो। एंड गाइस यार कह सकते हो कि हमारी फंटी मीटिंग में यहाँ पर मैं कह रहा था आप लोगों से कि फंटी मीटिंग का जो है वो कह सकते हो कि आज के एपिसोड में मुझे पता नहीं है कि आ जाएगा कल आएगा या अगर आज आ भी गया होगा कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, आप लोगों को सवाल का जवाब देना है। एंड टेलीग्राम जो है वो यहाँ पर ज्वाइन करके रखना है गाइस यार, क्योंकि एज ए सी यू सी बाय द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग वीडियो लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम में। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न दी बिग प्राइजेस, सो आपको जो है वो यहाँ पर कुछ भी करके जो है यहाँ पर शामिल करना होगा, क्योंकि टेलीग्राम में ही जो है वो यहाँ पर विनर अनाउंस होंगे, एंड अदरवाइज कोई भी विनर जो है यहाँ पर अनाउंस नहीं होगा कहीं पर भी। यूट्यूब में मैं नहीं करने वाला हूँ विनर अनाउंस, क्योंकि गाइज यार सम लिमिटेशंस है यहाँ पे, तो दैट्स वाई यूट्यूब पे जो है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं होगा। मे बी शायद ये 1 वीक जो है वो यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी ना चले, बट ये पूरी सीरीज़ में ट्राई करने वाला हूँ कि ये एक्टिविटी चलेगी या नहीं, शायद आने वाले हर सीरीज़ में मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये हमारी जो फंटिविटी है वो सक्सेसफुल रहे, एंड इस बार जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो डिज़ाइन एंड वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ जो है वो चेंज है। पोकेमोन सन में थोड़ा सा सिंपल था, बट पोकेमोन अल्ट्रा मून में जो है यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है, एंड हम लोगों को जो है वो वाई बटन दबाना पड़ रहा है सेव करने के लिए। यस सेविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज यू नो इट वाइल प्लेइंग एनी ऑफ द गेम। ऑल राइट वी आर हियर इन द ईगी टाउन। एंड हाँ गाइज यार ऐसे मत समझना कि आज का सिर्फ पहला एपिसोड है तो छोटा रहेगा, इसके हर एक एपिसोड की लिमिट जो है वो हाफ एंड कह सकते हो कि हाफ भी कह सकते हो हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मे बी 45 मिनट्स और मे बी 1 आवर तक जा सकती है अगर मेरा कभी मन करेगा तो फ्राइडे या मंडे को अगर कभी कोई एपिसोड आना हो तो।
1 आवर का भी मैं एपिसोड रख सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ईज पे जा रहा हूँ, 1 1 आवर के एपिसोड नहीं ला रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जो है ज़्यादा बोर ना हो जाए। इस वजह से जो है मैं हर वक्त तो बोलते ही रहता हूँ, एक भी जगह जो कह सकते हो कि हाँ मुश्किल से 10 सेकेंड्स का भी गैप जो है अब तक मेरी वीडियो में कभी पर भी ज़्यादा आया नहीं है। आई विल टॉक कंटिन्यूसली, मुझे यार बड़बड़ करने की आदत तो है ही, अभी आदत हो गई है मेरी में मुझे बात करने की, तो मुझे जो है यहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ होती नहीं है। सो वॉट आई वॉज सेइंग दैट, मैं जो हूँ यहाँ पर ये कह रहा था आप लोगों से कि आप लोगों को जो है वो हर वक्त कह सकते हो कि कंटिविटी में जो है अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना इज़ अ मस्ट। कुछ करने के लिए या कुछ आप लोगों को पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर कर सकता था ऐसे, आप लोगों का आंसर यही करना है, बट विनर जो है वो मैं वहाँ पर पिक करूँगा, मतलब कि वो लकी ड्रॉ की तरह निकलने वाले हैं। एंड दो विनर्स यार, उन लोगों को लिमिट जो है वो कुछ भी रह सकती है, इट कैन बी योर GPA, ऑल्सो GPA मैं आपको कैश ऐड कर दूंगा, इट कैन बी योर पबजी, जैसे अगर आप पबजी खेल रहे हो तो मैं आप लोगों को डिसाइड करने दूंगा कि आपको क्या चूज़ करना है। इतना अभी मैं जो हूँ यहाँ पर आप लोगों को जो हूँ यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोगों को पार्टिसिपेशन देनी है अपनी, रेगुलर व्यूज़ लाने हैं, रेगुलर व्यूज़ देने हैं यहाँ पर, रेगुलर आपको ये सीरीज देखनी है। एंड यस, बस इतना ही करना है आप लोगों को, बाकी कुछ चीज़ें नहीं करनी है। आई नो मैं तुम्हें रूम की तरफ लेके जाती हूँ, सो प्लीज बैक रहो, अगर कुछ ट्रबल हो गया तो कभी परेशानी हो जाएगी, अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो। राइट, ये जो है यहाँ पर शायद लिली है जो हम लोगों ने देखे थे, एंड ये जो है यहाँ पर फिर से कहाँ पे जा रही है, शायद ये सारी जो थोड़ी थोड़ी जो बहुत चीज़ें जो हैं वो सब थोड़ी सी रिपीटेड है, बट कोई बात नहीं गाइस, यार अल्ट्रा मून है कह सकते हो कि इसमें जो है वो थोड़े से नए एडवेंचर्स भी रहेंगे। दैट्स वाई ये सीरीज इतनी ज़्यादा मैं बड़ी नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें जो है वो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस गेम करी थी, एंड दैट्स वाई जो है वो यहाँ पर ये मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। मे बी जो हूँ यहाँ पर अभी कह सकते हो कि अगर डेली वीडियोज आ गई ना हमारी, तो हर एक सीरीज जो है वो कह सकते हो कि मैंने जो प्लान करी है वो एक एक महीने में ही खत्म हो जाए। हाँ थोड़ी सी सीरीज के लिए टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ कुछ सीरीज जो है वो यहाँ पर बड़ी रहती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड द डेली वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ द फंटिविटी। अगर फंटिविटी में ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आए और कम आ जाए, देन जो है वो मैं खुद डिमोटिवेट हो जाऊँगा डेली वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, अगर कभी मतलब कि आप लोगों को समझ में आ जाए ना कि यहाँ पर अभी भी देखोगे ना, मेरा बहुत मन था, मतलब कि मैं 2 पहले ही यहाँ पर शूट कर दे रहा था, बट जब मैंने देखा कि हमारे जो पोकेमॉन अल्ट्रा मून का इंट्रोडक्शन वीडियो है उस पर सिर्फ 10 व्यूज़ गए हैं बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दैट्स वाई मुझे जो है, एंड उसके पहले जो है हम लोग ने डी एंड किया था पोकेमॉन सन का। आई नो ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इतना ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए था, बट यू कैन फॉरगिव मी ना गाइज, आप लोग जो है मुझे फॉरगिव तो इतना कर ही सकते हो कि मैं थोड़ा सा जो हूँ यहाँ पर डिले कर सकूँ, एंड दैट्स मैं इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं करता एज यू नो इट, बट हो जाता है कभी कभार, एंड दैट्स वाई जो है वो हम लोग को मतलब भी थोड़ा सा जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड बट इस बार जो हूँ यहाँ पर मैं पूरी पूरी जो है वो यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ कि रेगुलर बेसिस पर जो है वो हम लोग अपनी वीडियो जो है वो डालते रहे, एंड आप लोगों को जो है वो वीडियोस अकॉर्डिंग टू द टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी कैसे चलता है सब, अगर ये सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई ना, यहाँ पर कह सकते हो कि इस अगस्त के महीने में अगर ये सीरीज़ ख़त्म होने आई ना, तो समझ जाना मेरी जो है यहाँ पर मेरी, क्योंकि गाइस यार सिर्फ 5 महीने बचे हैं, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही गेम्स खेल कर ये साल ख़त्म करूँ। आई वॉन्ट टू प्ले एवरी बिट ऑफ द गेम वेन आई फील जो है वो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा जो हूँ मतलब कि ये साल ख़त्म होने तक मैं और भी जो है वो गेम्स खेल सकूँ। तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी कैसे चलता है सब, अभी मुझे जो है वो यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने स्पियर से जो है वो यहाँ पे बैटल कर तो दिया था, बट सो आई गेस कि ये जो है वो यहाँ पे हम लोगों की मदद करने के लिए आने वाला है टापू कोकू ही ना, आई गेस कि टापू कोकू ही आने वाला है। बट यार मुझे रात का टाइम जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यार एज़ कम्पेयर टू द दिन का टाइम, क्योंकि यार वो जो लाइट्स आती रहती है ना आँख में वो थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर कम हो गई है, दैट्स वाई जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मैं दिन में रात में शूट कर रहा हूँ,
ये एपिसोड में दिन में ही शूट कर रहा हूँ, बट आज का जो है मतलब कि फर्स्ट एपिसोड जो है वो यहाँ पर इन लोगों की टाइमलाइन जो है वो उस हिसाब से सेट है आई गेस, सो कि दैट्स वाई जो है वो एपिसोड दिन रात में जो है वो यहाँ पर ये शूट हो रहा है। अगर मैं अगला एपिसोड आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो मतलब कि अगला एपिसोड में अगर शूट करने जाऊँ, अगर शायद हो सकेगा तो उसमें दिन का टाइम आ सकता है। शायद एक अच्छी बात रहेगी कि अगर मैं दिन में भी शूट करने को मिलेगा ना, तभी भी शायद रात का ही अगर टाइम हो रहा तो मेरे लिए जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह सकते हो कि मेरा काम जो है वो यहाँ पर कम होगा, कि मुझे टाइम जो है वरना, क्योंकि हर दिन तो मैं रात को शूट नहीं, क्योंकि रात को जो है वो मैं ऑलमोस्ट मेरा एक बार मैं बिजी हो गया ना, मतलब मेरा मेरी स्टडी वगैरह में हो गया ना मेरा क्लासेस में, सीधा मैं 10 बजे घर पे आ जाता हूँ एंड 10:30 बजे में फ्री हो जाता हूँ, एंड फिर से मुझे 5 बजे को उठना पड़ता है तो 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। सो दैट्स वाई ना गाइस यार, मुझे इतना सब काम करने की वजह से जो है वो सिर्फ दोपहर का ही टाइम मिलता है 1 से 2 बजे तक का, जहाँ पर मैं जो हूँ वो एपिसोड को शूट कर सकूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों को हमारे हर एक सीरीज के जो वीडियोस हैं वो मोस्टली दिन में शूट होते हैं, बट अभी मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं खेलूँगा कोई भी गेम तो उनका जो टाइमिंग है वो मैं चेंज करूँगा, नाइट टाइम कर दूँगा एंड फिर भी रखूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग दी एपिसोड। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लिया होगा कि हम लोगों ने जो है वो जान बचाई थी यहाँ पर लिली की एंड उसके नेबी की, तो वो जो है वो यहाँ पर हम लोगों को रिवॉर्ड दे रही है द स्पार्कलिंग स्टोन। यस गाइस यार, ये जो स्टोन है जो वो कह सकते हो कि क्या टर्न करेगा इनटू दी जी रिंग। यस, जी रिंग में जो है गाइस यार ये स्टोन कन्वर्ट करने वाला है, तो या मज़ा तो जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आने वाला है यार इस सीरीज में, एंड ये सीरीज में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आने ही वाला है, बट साथ ही साथ हमारे जो कह सकते हो कि मेरी बोलने की जो शक्ति है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि गाइज यार पोकेमॉन डार्क रेसिंग 2 का भी जो है जब मैं काम शुरू करूँगा वो उसके भी जो है यहाँ पर आधे आधे घंटे के एपिसोड ही आने वाले हैं। यही हर्ष होता है जब मैं टाइम टू टाइम सीरीज अपलोड नहीं करता, टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं करता, यही मुझे करना पड़ेगा, कवर अप करने के लिए जो है बड़े बड़े एपिसोड्स लाने पड़ेंगे ही, वरना ये एपिसोड जो है अब तक खत्म हो चुका होगा, नेक्स्ट एपिसोड में ये सब आप लोगों को ये पार्ट देखने मिलता। मोस्टली 15 मिनट्स का ही एपिसोड में रखता हूँ, बट ये सीरीज जो है वो एक टाइम लिमिट के साथ नहीं आने वाली है, दिस सीरीज इज गोना बी द टाइमलेस। यस, टाइमलेस रहने वाली है, मे बी शायद अगर मुझे मन करेगा तो मैं इसका लाइव स्ट्रीम भी कर दूँ, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे यार काफ़ी लोग जो है वो अपने स्कूल क्लासेस में रहते हैं, तो टाइम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, एंड रात को तो मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा एक्सेप्ट संडे, एंड संडे को जो है वो मुझे फिर से मंडे का काम करना पड़ता है, सारा का सारा जो है यहाँ पे हम लोगों के लिए अभी सब देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये सीरीज अभी कल भी बुरी आएगी या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ना ये मतलब ये गाइस मेरी गारंटी मत रखो, मैं होप्स और प्रे तो हर दिन करता हूँ कि यहाँ पर वीडियो जो है वो यहाँ पर हर वक्त हर दिन हर टाइम आती रहे, बट प्रॉब्लम यही है कि मुझे जो है यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर काम आ जाता है, कॉलेज में थोड़ा सा जो है मन लग जाता है दोस्तों के साथ, उनके साथ में फिर रह जाता हूँ, फिर अब ये काम रह जाता है, बट मैं इस बार जो हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी पूरा का पूरा ट्राई करने वाला हूँ कि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोज अपलोड करते रहें इस आने वाले अगस्त मंथ में। मोस्टली 31 डेज रहने वाले हैं, उसमें 60 वीडियोज़ तो यहाँ पर जाने चाहिए इन द बेस ऑफ कह सकते हो कि बेसिस पे क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो डेली के 2 वीडियोज अपलोड करते हैं एक्सेप्ट संडे, संडे को भी यहाँ पर मैं 2 वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, दैट्स वाई मुझे वो 60 एपिसोड में 60 वीडियोज ले रहा हूँ, इसका रीज़न ही यही है कि हम लोग ऐसे करें। मंडे को ये अभी मैं संडे को ये जरूर एपिसोड लाता था, बट फिर क्या होता था गाइज यार मुझे डार्क राइजिंग 2 का जो है वो यहाँ पर एपिसोड को डिले करना पड़ता था इन द नेक्स्ट वीक, बट इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने ये नहीं किया हूँ, एंड दैट्स वाई जो है यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम मिला है फिर, बट फिर भी जो है यहाँ पर ये एपिसोड करने को शूट करने में बैठ गया। अभी जो है मुझे शायद अगर आदत, देखो यार 3-4 वीडियोज़ 5-6 वीडियोज अगर मैंने कर दिए ना ये ऐसे टाइम लिमिट में शूट, तो मुझे जो है यहाँ पर आदत लग जाएगी, मुझे आदत जो है फटाक से लग जाती है कोई भी चीज़ की, हाँ निकलने में जो है यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग जाता है फिर हार्ड होता है ज़रूर, बट कोई बात नहीं गाइस यार, हम लोग जो है ये आदत मुझे लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू टेक दिस एडिक्शन हैबिट, हैबिट करने के लिए मैं तैयार हूँ इस वीडियो हाफ हाफ कह सकते हैं हाफ हाफ आवर्स के एपिसोड को शूट करने की। आई नो गाइस मैंने चैलेंज रखा था कि 21 डेज वीडियोज़ का, बट वो चैलेंज जो है वो अभी डिले एक्सटेंड होकर जो है यहाँ पर अब जो है अब से जो है वो यहाँ पर चालू हो चुका है 21 डेज 21 वीडियोज़ अगर चैलेंज, अगर 21 डेज में हम लोगों ने कह सकते हो कि अच्छे खासे सी वीडियोज़ नहीं आई, हर दिन 2 वीडियोज़, तो शायद भी हम लोग आगे चलकर कंसिस्टेंट रह पाएंगे या नहीं, आई हैव नो आइडिया,
तो या देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा बात करी है उन सब की चीज़ों में, मेरे अपने टॉक करने की वजह से मैं ये कहाँ पर था। ओके तो देखते हैं हम लोग। ऑल राइट ओ तुम जो है यहाँ पर कभी निकल गए थे। आई नो दैट काहुना हाला एंड द प्रोफेसर विल यू कीप यू सेफ फ्रॉम एनी हार्म, बट तुम जो है यहाँ पर अपनी साइट नहीं कर रहे। नहीं भी, ऐसे लगता है कि तुम जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। मैंने जो है यहाँ पर रेड कर रहा था कि वो जो है यहाँ पर लाइक करते हैं जब उन्हें तुम उन्हें पेट करो और या ग्रूम करो। ओके तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑल राइट हियर्स अ लवली गिफ्ट टू द थ्रू। ओके क्या मिला है हमें? ओह सो इट्स अ पॉकेट एक्स। चलो थैंक यू सो मच। पॉकेट एक्स जो है वो रियल हाई टेक काइंड ऑफ कूल टूल है। या ये जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है फ्लैक्स को। दैट पोकेमोन यू नीड तुम्हारे नए पार्टनर को जो है वो पोकले वो ऑलरेडी रजिस्टर है। ओके सो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला है? ओह ट्रेनर पासपोर्ट। ऑलरेडी ऐसा ट्रेनर का पासपोर्ट हम लोगों को मिल चुका है। वेल तुम जो हो यहाँ पर कहूँगा उससे तुम मिल सके। ध्रुव घर जाने का वक्त आ चुका है। ऑलरेडी कैसे यहाँ पर अभी शायद घर जाने का वक्त आ चुका है। थोड़ा सा मॉम को जो है वो अपना ओ या हे ध्रुव गुड वेट अ सेकेंड क्या हुआ? ओ क्या हुआ तुम कुछ भूल गए? आप सीरियसली मुझे पूछ रहे हैं? आप ही नहीं हैं जो सब लोगों को बताना भूल जा रहे हैं कहाँ गायब होने से पहले। ओ ध्रुव क्या तुम वो स्पार्किंग स्टोन मुझे दे सकते हो? क्यों बट ओ तुम जो है वो यहाँ पे टापू को उसी बीच पे से हुए थे। यस उन्होंने मुझे बचाया था। सो ये जो है वो डिजाइन किया गया है उस वजह से। सो पेराप्स तुम जो है वो अलोनामी हो ध्रुव बिकॉज वो चाहते थे तुम यहाँ पर रहो। अलाउ मी टू बी तुम्हें से बोरो कर सकूँ। डरो मत मैं तुम्हें ये कल शाम तक दे दूंगा। तुम जो हो यहाँ पर एक ब्रिलियंट ट्रेनर हो। आई कैन सी दैट लाइट विद इन यू टू। तुम जो हो एक ऑनर ऑफ द जॉइनिंग हमारे फेस्टिवल में जो है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट मैं जो तुम लोगों को जो है यहाँ पर घर तक पहुँचा देता हूँ ध्रुव। और लिली तुम भी यहाँ पर हमारे साथ चलो। या तुम जो मैं तुमसे यहाँ पर फिर से यहाँ पर तुम्हें खोना नहीं चाहता दूसरी बार। तुम और तुम्हारा वो प्रीशियस पोकेमोन को। यस मैं नजर रखूंगी। यार ये नेवी को देखो ना। ओहो तुम हर वक्त भागना बंद करोगी एंड अपने बैग में जरूर रहोगी और सब लोगों को चिंता में डाल दोगी तुम। ओके तो गाइस यहाँ पर हम लोग चलते हैं। ओके सो वी आर हियर एट आर होम। तो गाइस यहाँ पर हम लोग हमारी मोम को जो है वो यहाँ पर अपना पोकेमोन दिखा देते हैं। एंड दैट इज इट गाइस यहाँ कह सकते हो कि इसी लेंथ के एपिसोड जो है वो आप लोग अभी एक्सपेक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं जानबूझ के जो हूँ यहाँ पर ये इतने बड़े एपिसोड्स नहीं लाऊंगा। स्टोरी लाइन को जितनी हो सके उतना ज़्यादा जो है वो मैं एडवेंचर, क्योंकि जब छोटा एपिसोड होता है ना मैं जो वो हर वक्त टाइम को देखते रहता हूँ कि 15 मिनट्स हो गए चले यार जितना हो गया उतना ख़त्म कर देते हैं। बट अभी के जो है ना मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। आई कैन गो विद द फ्लो। मैं जितना चाहे उतना जो हूँ यहाँ पर एपिसोड को शूट कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई जो है वो मैं ये वीडियो जो है यहाँ पर ही सबमिट कर देता हूँ। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कहीं से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन अ डिस्क्रिप्शन। सो या आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टू द पोकेमॉन अल्ट्रा मून वर्जन। तब तक के लिए गुड बाय।